बहुत बारिश हो रही है क्या? हाँ। खोल के दिखाओ तो सलोनी। ये पूरा पानी पानी। तो फ्रेंड्स इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं और बारिश इतनी तेज हो रही है कुछ कहने को नहीं। और सलोनी को ना भीगने का मन है बारिश में, सोची से है नहाना, तो ये वाइपर लेकर के भीग रही है भीगने के लिए और ये देखो पानी घर के अंदर चला रहा है। तो अब मैं जब वहाँ और यहाँ भी पानी पानी है, ये देखो आप लोग दिखाते हैं पूरा पानी भर गया, पूरा बाहर गया पूरा पानी। तो देखा ना, तो फ्रेंड्स देखे ना कितनी तेज बारिश हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं बेडशीट लगाने, नहीं क्योंकि चादर हो गई है गंदी तो हटा दिए हैं। तो तखत पे तो मैंने बिछा लिया था और ये ली जो चादर है जयपुर की है तो इसे हम बिछाने बस कर। सलोनी सलोनी बार बार पानी को बाहर निकाल रही है कि उसको कपड़े गीले हो जाए फिर से वो नए कपड़े पहन ले। क्यों अभी नहीं, अभी और निकालना होगा तुझे पानी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी तेज हो रही है और ये बारिश जब भी होती है तो घर के अंदर पानी तो आना ही आना है। तो बस हम लोग इसे ठीक कराने वाले हैं कि पानी अंदर ना आए और आंगन भी ठीक हो जाए। बस कर बीमार पड़ोगी ना तो मतलब। तो कल सुबह हम लोग निकलेंगे इलाहाबाद के लिए और यहाँ पे लगेगा काम आंगन ठीक करने के लिए बारिश ना हुई तो। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और इस समय सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज हमें जाना है घर और खुश बहुत ज़्यादा हूँ मैं, खुशी का ठिकाना नहीं। बच्चों से मिलने जाना है और यहाँ देखिए मैं नहा करके पूजा भी कर लिया और मैंने मैं रेडी भी हो गई हूँ और आज पहनूंगी मैं ये साड़ी। ये है 14 साल पुरानी साड़ी और मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस आई मेकअप हल्का सा मैंने किया, फेस पे मैंने सीरम लगाया। ये होममेड सीरम है, विटामिन सी सीरम जिसे आप कह सकते हो, लेमन सीरम है। और यहाँ बैग भी रेडी हो चुका है बाबू का। चलिए सलोनी से मिलाते हैं। ये देखिए सलोनी क्या कर रही हैं। हो गया एक किचन में थोड़ा वाला है ना, उसे भी एक जो छिला हुआ रखा हुआ उसको भी ले लो। हाँ तो वो भी खराबी तो होगा, तो बाबू जल्दी उठे तो उसको भी नहला दें। तो फ्रेंड्स लौट के आएंगे तो शायद आंगन भी हमारा ठीक ठाक मिले हमें, क्योंकि बस बनने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बस हम लोग निकलने वाले थोड़ी देर में, तो मैं आई थी पीछे का दरवाज़ा देखने की लॉक है कि नहीं, लॉक है दिखा। तो फ्रेंड्स लॉक तो है और राज ने बोला नहीं ओपन कर दो क्योंकि काम लगने वाला है, आज से ही काम लग जाएगा। तो चाबी मंजू को दे देना, ये सलोनी की मम्मी को, वो मतलब रहेंगी और चाबी उन लोग को दे देंगी और जो घर पर गार्ड रहते हैं उनके पास रहेगी जो ठीक कराएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी भी पहन ली, रेडी हो चुकी हूँ मैं इस समय और 9:30 बज चुके हैं। बाबू भी जग गया है, शोर मचा रहा है और मैं सोच रही थी ये ब्लाउज मुझे होगी नहीं क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था, फिर भी ब्लाउज मेरा हो गया। 14 साल पुरानी साड़ी है और ये राज मुझे बनारस से ले आए थे, सिल्क पे है। और ये बाबू को मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि उठ ही नहीं रहा था, तो घर पर ले जाके उसे नहलाऊँगी। तो दिखाते हैं बाबू को, ये देखो सलोनी इसको रेडी कर रही है और बाबू रोया जा रहा है, बस ब्रश उसको मैंने कराया, फेस क्लीन कराया है और नहला नहीं रही हूँ। और यहाँ पे राज भी रेडी हो चुके हैं, लगभग कंप्लीट है। इनको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इनके फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं इसलिए इनको लेट हो जाता है। और मेरी बन गई है ब्लैक टी, ये देखिए ब्लैक टी। तो मैं जा रही हूँ बाहर लॉन में पीऊँगी। और आज बताओ ना आज हमारे साथ कौन जा रहा है? आज हमारे साथ जा रही हैं सलोनी जी। हाँ कह रही थी आंटी मुझे भी ले चलो साथ, मुझे दीदी लोग से मिलना है और आपके घर भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा चल। तो कही आंटी जी मैं आपका एक वीडियो शूट कर लूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो कही आंटी आप अपनी साड़ी दिखाओ इस तरह, तो बच्ची है यार और बच्चे ना बिल्कुल मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा पटती है। मतलब मुझे लगता है कि मैं बड़े लोग के साथ नहीं घुल मिल पाती हूँ जितना बच्चों के साथ घुल मिल लेती हूँ। तो इसके स्कूल बंद है तो पूरा टाइम ये मेरे साथ ही रहती है, शाम को इसकी मम्मी जब आती है तो 8 बजे 9:30 बजे ये घर जाती है। हम लोग तो रेडी है,
तुम्हारा तो बना दें उतावली जो बहुत हो। और ये रेड ब्लाउज वाली सलोनी की मम्मी है, और ये हमारे यहाँ झाड़ू लगाती हैं जो जा रही हैं। क्या नहीं यार, आंगन का जरूरी है, आंगन बोला है, काम लगी है ना, कामों लगी है ना, तो अजय से यार नहीं आ रहा है। बैग हटा बेटा, तो ये पार्ट मेरा उधर। तो यहाँ पे सलोनी की मम्मी मंजू जिनका नाम है, तो वही पूछ रही थी भाभी चाबी का क्या करेंगे। चाबी हमने कहा कि आंगन वाली गार्ड को दे दीजिएगा और बाकी चाबी अपने पास रखिएगा। और यहाँ देखिए जो आंगन में काम लगने वाला था, मिस्त्री भी आ चुके हैं, तो 2 से 3 दिन चलेगा। अब लौट के आते थे, देखते हैं हमारा आंगन हमें कैसा मिलता है। बड़े वाले में बस हम लोग निकल चुके हैं, बाहर से खरीद लेना, क्या करना है। हाँ, एक बोतल तो रख लोगे तो तुम लोग। अब टंकी भरी हुई है, इनको 2-4 खेबल्टी की जो पानी बाथरूम से ले लिया करेंगे, ठीक है। और बच्चों को मैंने फ़ोन करके बता दिया है, और 2 घंटे लगते हैं यहाँ से प्रयागराज। और आपको पता ही है मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ रायबरेली और लखनऊ और प्रयागराज के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम है 11 बज चुके हैं और हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। और ये यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, जो भी लखनऊ रोड और प्रयागराज से आना जाना होगा उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे इनके दोस्त मिल गए थे, मतलब उन्होंने पहले ही कॉल कर दिया था, प्लीज़ सर आप आइएगा। और ये रेस्टोरेंट इन्हीं का, ये बोल रहे थे सर अंदर चलिए बैठ के आराम से चाय पानी कीजिए नाश्ता। तो इन्होंने कहा नहीं हमें निकलना है, और इन्होंने भी केवल चाय पिया था। तो देखो कुछ खाते पीते हैं ये। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ऊंचाहार क्या कहते हैं इसे, भटूही क्या कहते हैं रेस्टोरेंट, हाँ, तो हम लोग पहुँच गए हैं। बस अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करेंगे। तो देखिए इन्हें किसी से मिलना भी था, तो इसीलिए गए हैं। और सलोनी भी आज जा रही हैं, यह देखो खुशी इनका बाबू बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो देखते हैं क्या खाते हैं हम लोग। और हम लोग ना गाड़ी से उतरेंगे ही नहीं, क्योंकि जब गाड़ी से उतरेंगे ना तो फिर बाबू फिर बैठेगा नहीं जल्दी। अब बाल मैंने अपने खोल दिए क्योंकि ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने खोल दिया। अंकल तुम्हारे क्या अंदर गए क्या? अंदर गए अंकल? कोई था ना, उन्हीं से बातें कर रहे थे। अंकल इसके अंकल अंदर जा चुके हैं, राज अंदर गए। कहाँ खड़े हैं? पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स आ गई है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय। चाय हमने मना कर दिया, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगी, और मैंने पिया था ब्लैक टी। और सलोनी भी नहीं पीती है, तो ये सलोनी दिखा रही थी पकौड़ियाँ। ये देखो मेरा तो मन नहीं है, फिर भी 1-2 खा लूँगी। आइए आप लोग भी खा लीजिए, ठीक है। और देखो आज की चटनी कैसी है, अच्छी है। क्या खा रही हो? पकौड़ी। अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है कि बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है जाने पे? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। पहली बार जा रही है ना कहीं? चलो नहीं, मम्मी की याद तो नहीं आएगी? नहीं। हाँ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रयागराज में एंट्री कर चुके हैं, और आज दिखाते हैं हम कि कितना ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है प्रयागराज में। गंगा जी बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, और आप देख सकते हो, देखिए आप लोग वीडियो में। ये देखिए भाई कितना पानी आ गया, ये बाढ़ आ गई है, ये देखो पानी पानी। और ये अभी हम लोग गए थे इतना पानी नहीं था ना,
सोमवार को हम लोग गए थे, इतना पानी नहीं था। बहुत का डर लगता होगा इन लोगों को जिनके आता होगा बाढ़। सब ये घर थे क्या? हाँ सब दूर गए हैं, बाढ़ आ गई है। ये जमीन थी, यहाँ पे खीरे ककड़ी उगाए जाते थे। ये पानी नहीं था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गंगा जी में कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। पहले बिल्कुल सूखा रहता था और यहाँ पे सब लोग नहाने आते थे और पानी को नामो निशान नहीं था। बट अब देखिए आप उधर उधर दिखाइए, उधर ज़्यादा दिख रहा है। और आप लोग देख रहे हैं काफ़ी घर डूब चुके हैं पूरे, मतलब पेड़ इतने बड़े बड़े थे पता ही नहीं चल रहा इतना पानी है यार। दूर दूर तक ही पानी पानी है। और हम जहाँ रहते हैं ना हमारे घर के पीछे तक पानी आ चुका है, बट हमारे यहाँ अभी तक तो नहीं आया है। लोग बताते हैं बहुत टाइम पहले हमारे घर के पास भी नाव चलती थी, इतना पानी आ चुका था। ये देखो अगर गंगा जी और बढ़ गई तो हमारे यहाँ भी पानी शायद आ ही जाए और डूब जाए। कौन नदी जानती है? गंगा जी है, लोग यहीं नहाने आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गंगा किनारे जितने भी घर थे सब डूब चुके हैं। और मंडे को मैं जब यहाँ से लौटी थी ना तब पानी इतना नहीं था, एकाएक पानी इतना ज़्यादा आ गया। बताइए ये देखिए आप लोग नीचे पूल, और ये पूरा घर पानी से डूबा हुआ है। तो चलिए अब हम आ गए अपने घर, बस यहाँ से 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। और घर पहुँचने की खुशी तो आप सबको पता ही होगा, बच्चों से मिलने की खुशी क्या होती है। और सलोनी भी फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ जा रही है। और जानते हैं जैसे घर आता है ना, घर आते ही मतलब क्या कहते हैं, जैसे मैं अपने गली में घूमती हूँ मुड़ती हूँ मेरी गाड़ी ना, वैसे मेरे सर पर अपने आप पल्लू आ जाता है। तो सलोनी बोली आंटी ये क्या? धमने का बेटा ये रखना होता है, यहाँ मैं बहू हूँ ना, ये देखो मैंने सर पे रख लिया, अब ये सर से तभी हटेगा जब मैं यहाँ से जाऊँगी। ठीक है तो चलिए अंदर चलते हैं। और बस गेट ओपन हो रहा है, ये देखिए राज को मैं दिखाती हूँ, देखिए राज खोल रहा है, पापा जी आएंगे अब और गाड़ी अंदर की जाएगी और यहाँ वहाँ वाला ड्राइवर चला जाएगा खाना खा कर। और ये जो टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो चलते हैं, सलोनी बाबू को लेके अंदर गई। अब इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी सलोनी यहाँ कितनी मस्ती की है। ये मेरा रूम है और मेरी बेटी ने मेरे लिए कपड़े भी निकाल के रखे हैं, मम्मा को क्या पहनना है। तो बेटी होती ही ऐसी हैं, माँ का पूरा ख्याल रखती हैं।